हमने तीन आदमी एक एक लाख के इनामी हैं, जिनमें से एक लेडी भी है, इनको अरेस्ट किया है। ये 2018-19 में सुशांत लोक पुलिस स्टेशन में 5 मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें ये आरोप था कि कुछ लोगों ने फर्जीवाड़ा करके, फर्जी आदमी खड़े करके और असल ओनर्स के साथ धोखाधड़ी करके अपने बैंक अकाउंट खुलवा के और फर्जी रजिस्ट्री करके पैसे हड़प लिए अपने अकाउंट्स में, और वो फिर बाद में फर्जी अकाउंट ही कुछ कंपनीज के खुलवाए हुए थे, उनमें पैसा ट्रांसफ़र करके और खा के भाग गए। जिसके संबंध में सुशांत लोक पुलिस स्टेशन में 8 FIR दर्ज थी और 1 FIR सेक्टर 29 पुलिस स्टेशन में दर्ज थी, जिसमें से 5 FIR की हमारे को इन्वेस्टिगेशन दी गई। मेरे सुपरविज़न में एक SIT बनाई गई, जिसका सुपरविज़न DCP क्राइम साहब कर रहे थे। उसको ये जिम्मेदारी दी गई कि इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, जिस पे हमने काम करते हुए हमारी क्राइम यूनिट सेक्टर DLF 4 ने काफ़ी बेहतरीन काम किया, इंस्पेक्टर नवीन की अध्यक्षता में। और उन्होंने इन तीन लोगों को, जो पांच जो चिन्हित अपराधी थे, उनमें से तीन आरोपियों को हमने गिरफ्तार कर लिया है, जिन पर हरियाणा सरकार ने 1-1 लाख रुपए के इनाम डिक्लेयर कर रखे हैं। इनको 5 तारीख को हमने अरेस्ट किया था और उनको 6 तारीख को कोर्ट में प्रोड्यूस करके 10 तारीख तक उनका पुलिस रिमांड हमने लिया था और आज उनको अदालत में पेश किया है। उनकी जो पूछताछ में ये बातें सामने आई कि दो इनके मुख्य आरोपी संजय कथूरिया और एक मिस्टर सोनू थे, जो इनको सबको तैयार करके लेके आते थे। ये यहाँ पे गुड़गांव में फर्जी नाम से अकाउंट खुलवा लेते थे, पंजाब में भी इन्होंने अकाउंट खुलवाए हैं, और उस फर्जी नाम से ही उस जो अंसल की जो प्रॉपर्टी थी, उसका जो फर्स्ट ओनर था, उसके पेपर लेके और उसके नाम से, पहले उसके ब्लड रिलेशन के नाम से ही कोई वो फर्जी आदमी खड़ा करके उसके नाम वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करा के और फिर उसको किसी दूसरे आदमी को सेल कर देते थे, उससे बैंक अकाउंट में पैसे लेते थे और बैंक अकाउंट से कुछ फर्जी अकाउंट्स जो इन्होंने खुलवा रखे थे कंपनियों के नाम से, उनमें पैसे ट्रांसफ़र करा के और ये पैसे खा के भाग जाते थे। इस तरह से इन्वेस्टिगेशन में ये टोटल 523 करोड़ रुपए की ट्रांजेक्शन सामने आई है इन अकाउंट्स में, जिसकी हम आगे जांच कर रहे हैं। इसके जो दो आरोपी हैं, संजय कथूरिया और सोनू, वो अभी जांच में ये पता चला है कि वो दुबई में बैठे हैं, जिनके बारे में भी हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं, और उनके अन्य साथी हैं, उनकी भी पूरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और उनको भी बहुत जल्द हम गिरफ्तार करेंगे। सर, इस मामले में ये कितने प्लॉट्स अब तक ऐसे फर्जीवाड़ा करके बेच चुके हैं और खासकर किन इलाकों में ये प्लॉट्स को अपना निशाना बनाते थे? ये इनका खास टारगेट अंसल की प्रॉपर्टी रही है, उसमें हमारे यहाँ सुशांत लोक के इलाके में खासकर इनका, और DLF के साथ लगता जो हमारा सेक्टर 29 पुलिस स्टेशन का इलाका है, वहाँ के ज़्यादा प्लॉट्स हैं। इसके अलावा उधर पालम की साइड में भी ये इस तरह का काम करते थे। वो जो भी इनको जहाँ पे भी जगह मिल जाती थी, अंसल का जो प्लॉट उसका कोई मालिक वहाँ पे नहीं था, उसकी पूरी डिटेल ये इकट्ठी करके और उसके प्लॉट का फर्जीवाड़ा ये करते थे। और कितने लोग हैं सर इनके गिरोह में? इनके गिरोह में अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उसमें 3-4 लोगों के बारे में और पता चला है, जिनके बारे में अभी जांच की जा रही है और बहुत जल्द हम उनको भी गिरफ्तार सर, ये करेंगे। तीनों लोग क्या हैं और वो कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, ये कितने मामलों में लिप्त थे, इनका क्या मेन रोल था? ये एक कविता रानी है, जो फर्जी नाम से रिया सहगल बनी हुई थी और इस नाम से अकाउंट खुलवा के और इसके रिया सहगल के नाम से खड़ी होके इसने रजिस्ट्री करवाई थी। इसी तरह से एक राहुल है, इसने फर्जी अकाउंट खुलवा रखा था, और ये राहुल जो है ये कविता के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। इसी तरह एक रणबीर हैं, जो कपूरथला के रहने वाले हैं, इन्होंने जसजीत के नाम से यहाँ पे फर्जी अकाउंट खुलवा के और फर्जी कागजात बना के और रजिस्ट्रियाँ करवाई हैं। इनका मेन रोल ये था कि ये अकाउंट फर्जी खुलवाते थे, अपने आधार कार्ड फर्जी बनवाते थे और फर्जी नाम से खड़े होके ये रजिस्ट्रियाँ करवाते थे। और संजय कथूरिया जो था, वो ही सारे गेम का इनका संचालन करता था कि इनको कहाँ जाके किससे मिलना है, किस तरह से आगे की कार्रवाई करनी। सर, जो फर्जी कागजात बनवाने हैं और जो फर्जी रजिस्ट्रियां करवानी है, क्या उसमें किसी
सरकारी अधिकारी या जो रजिस्ट्री करने वाले हैं या जो डॉक्यूमेंट्स जो बता रहे हैं आप, आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, ये बनवाने के लिए भी कोई इन्वॉल्वमेंट थी इनके साथ सरकारी अधिकारियों के जो ये बनाते हैं कागजात? इस सारे एंगल पे अभी जांच की जा रही है और उसमें जो भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी उसमें शामिल मिलेंगे हम उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने जा रहे हैं। सर रिकवर कुछ हुआ है इनसे? इनसे फर्जी आधार कार्ड हमने बरामद किए हैं, ये कविता से रिया सहगल के नाम का और रणबीर से जसजीत के नाम का जो फर्जी आधार कार्ड है वो हमने बरामद किया है और आगे की इन्वेस्टिगेशन अभी इसमें की जा रही है। इनको यहीं गुड़गांव में ये एक किराए पे रह रहे थे पहले, उसी पे अब दोबारा से ये काम करने के लिए आए थे और वहीं से हमने इनको अरेस्ट किया। सर इन फर्जीवाड़ों के अलावा कोई और क्रिमिनल बैकग्राउंड है इनका, क्या कुछ पढ़े लिखे हैं? ये जो रिया है वो भी पढ़ी लिखी है, जो रणबीर है ये ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और ये जो राहुल है ये पढ़ा लिखा है, तो इनका ये इसी तरह के जो 420 टाइप के जो केसेस हैं उनमें ज़्यादा शामिल रहे हैं, दूसरे क्राइम में इनकी अभी तक संलिप्तता के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। सर 523 करोड़ का ट्रांजैक्शन था इसमें, तो ईडी को इसके रिगार्डिंग कोई इंटीमेशन? बिल्कुल, हम ईडी को भी इसके रिगार्डिंग जो इंटीमेशन है वो भेजने जा रहे हैं। पानीपत का नंबर वन इलेक्ट्रॉनिक शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बनाए ये दिवाली सबसे यादगार। जी हाँ, 0% इंटरेस्ट रेट, आसान किस्त, बिग ब्रांड्स पर ढेरों ऑफर के साथ बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, निकट जीटी रोड, इंडियन बैंक, पानीपत। Add colors to your loving, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pai Sanskriti School, a better place, a better world. Pai Sanskriti School, sapno se behtar kal. Pai Sanskriti School, add colors to your learning. Pai Sanskriti School, your life will be shining. अगर आप पुराने दर्द से परेशान हैं, अगर आप बड़े अस्पतालों में इलाज करवाकर लाखों रुपए बिल देकर थक चुके हैं लेकिन फिर भी आराम नहीं आ रहा, तो एक बार विजिट जरूर करें एडवांस हेल्थ केयर में। ट्रीटमेंट बाय कोरियन एंड एक्यूपॉइंट थेरेपी, केवल 15 मिनट की थेरेपी से तुरंत दर्द से छुटकारा पाएं। गर्दन का दर्द, सर्वाइकल, सीआरटी का व कमर दर्द, घुटनों का दर्द, माइग्रेन, सिर का दर्द, पुरानी गैस कब से छुटकारा पाएं, पुराने से पुराने दर्द का इलाज भी है, पहले दिन से आराम आना शुरू। हमारा पता है हाउस नंबर 9, गौशाला मंडी, गौशाला मंदिर के साथ गुहाना मोड़, जीटी रोड, पानीपत। मोबाइल नंबर 8168310885।